जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को करंट अफेयर्स के मोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपको बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी पूछता रहूँगा तो आप उनके आंसर्स भी देते रहिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय दिवस। अब यहाँ पर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विजय दिवस क्यों मनाया जाता है इस दिन, ये बात है 1971 में, 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था और उसके दो टुकड़े हो गए थे। एक पाकिस्तान हो गया था जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो बाद बांग्लादेश बन गया था, या आप कह सकते हो इस दिन बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था। उसके बाद में हम बात करते हैं, आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, कारगिल दिवस। तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। और कारगिल वार इंडिया में हुआ कब था? 1999 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जिनकी डेथ हो चुकी है 2018 में, इनके बारे में आप ध्यान रखना। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन में, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? गांधी जी की याद में। गांधी जी की ये पुण्यतिथि है। इस दिन गांधी जी को गोली मार दी गई थी, नाथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, 3 गोलियां लगी थी गांधी जी और वहीं वो ख़त्म हो गए थे, प्रार्थना सभा वो कर रहे थे। अच्छा, एक यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब आपसे पूछा जा सकता है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद कौन है? एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद का सही उत्तर होगा। इसने 1928 में जो ओलंपिक थे हॉकी जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, इन्हीं की याद में तब से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको अपडेट और बता देता हूँ। कुछ दिवस हैं जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले युवा दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे है, तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व साक्षरता दिवस आपसे पूछ ले तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एक बार इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, सॉरी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। टाइम्स मैगजीन ने 2019 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बॉब ईगर को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जो टाइम्स मैगजीन है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी स्थापना आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी पता होना चाहिए इसका आपको, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है न्यूयॉर्क के बारे में भी हाल में रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हेल्थ वेल्थ रिपोर्ट की, जिसमें दुनिया का सबसे शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, धनी शहर है ये, दुनिया का सबसे धनी शहर। चलिए उसके बाद में ये जो मैगज़ीन है ये एक बिजनेस मैगज़ीन है और ये कई तरह की लिस्ट जारी करती है, जिसने अभी हाल ही में इसने एक जारी किया था, कल परसों ही मैंने बताया था आपको, पर्सन ऑफ द ईयर। तो टाइम्स मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड किसको, मतलब किसको चुना है इस बार, तो सही इसका सही उत्तर होगा ग्रेटा थुनबर्ग। और ग्रेटा थुनबर्ग कौन है? एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये मात्र 16 साल की छोटी सी बच्ची है और कहाँ की रहने वाली है, ये स्वीडन की। इनसे रिलेटेड एक लेटेस्ट करंट और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी इनको एक पुरस्कार दिया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार पूछ सकता आपको किसको दिया गया था, तो ये इन्हीं को मिला था। ठीक है, अभी हम बात करें, इसने एक लिस्ट और जारी की थी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर,
इस साल का एंटरप्रेन्योर किसको घोषित किया था इसने? मेलिस जेफसर ने। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है अभी हाल ही में किस राज्य में आर्थिक जनगणना की शुरुआत हो चुकी है? तो इसका सही उत्तर आएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट करिए फटाफट। नई दिल्ली। अब नई दिल्ली में जो है आर्थिक जनगणना, ये आपसे पूछ ले कि ये आर्थिक जनगणना जो है नई दिल्ली में कौन सा स्टेट है ये करने वाला, तो ये 25वां स्टेट है। और ये पूर्ण रूप से डिजिटली होगी, ऐप में डाटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बात आई है जनगणना की, जनगणना को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना भारत में सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, 1872 में। और आपसे पूछ ले किस अंग्रेज अधिकारी के काल में थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो। तो ये तो हुई थी वैसे नॉर्मल, और रेगुलर हर 10 सालों से स्टार्ट हो रही है, 1881 से रेगुलर हो रही है, आज तक हो ही रही है 10 10 सालों से। ये किसके काल में हुई थी ये भी आपसे पूछ सकता है, तो किसके काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। और तब से लेकर आज तक जो है हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है। अभी यहाँ पर जनगणना 2011 में हुई थी लास्ट टाइम, अभी 2021 में होगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इस बार जो है पूर्ण रूप से डिजिटल हो रही है, ऐप के माध्यम से होगी। अच्छा, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हम साक्षरता के कुछ आंकड़े पेश करना चाहेंगे आपके सामने, आपसे पूछ सकता है उस समय भारत में कितने प्रतिशत जो है साक्षरता थी भारत की, तो मात्र 18% लोग वहाँ पर सबसे पहले पढ़े लिखे थे 10वीं जो ये जनगणना हुई थी ना, भारत आज़ाद हुआ था उसके समय। अब मैं बात करता हूँ, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था इसके संबंधित कि भारत में जो सबसे तीव्र गति से जो साक्षरता दर बढ़ी थी वो कब बढ़ी थी, तो ये कौन सी जनगणना में बढ़ी थी, 1991 से 2001 की जो जनगणना थी उसमें ये इस दशक में सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, जनगणना जनसंख्या दिवस भी आपसे पूछ सकता है, तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत सरकार में सूचना और प्रसारण सचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रवि मित्तल। अब रवि मित्तल ने किसकी जगह ली है, अमित खरे थे पहले और अभी कौन बन गए, रवि मित्तल। अब हम थोड़ा सा बात करें तो ये जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार में वर्तमान में मंत्री कौन है सूचना प्रसारण के, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। अच्छा, यदि आपसे कुछ मैं और डिस्कस कर लेता हूँ जो मोस्ट पूछता है कई बार, आपसे पूछ ले वर्तमान में कानून मंत्री कौन है भारत सरकार में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रविशंकर प्रसाद। रक्षा मंत्री पूछ ले, तो रक्षा मंत्री आप जानते ही हैं राजनाथ सिंह। यदि आपसे वित्त मंत्री पूछ ले, तो वित्त मंत्री भी फटाफट आप लोग कमेंट करिए, निर्मला सीतारमण। और ये पहली भारत की पूर्णकालिक महिला मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो उसका राइट आंसर होगा 5.6%, 5.1 है। अच्छा, मैं अभी बात करूं तो ये जो मूडीज़ है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि हम बात करें इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले, तो न्यूयॉर्क में कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और वर्तमान में जो है इसके सीईओ हैं कार्यकारी अधिकारी WM McDonnell, इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, तो जीडीपी के बारे में कई बार आता है फुल फॉर्म पूछ लेता है इसकी, तो G4 क्या होता है, ग्रोस, D4 डोमेस्टिक, P4 हो गया प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, अभी कुछ एजेंसियों ने आंकड़े जारी किए थे, जैसे ADB एशियन डेवलपमेंट ने, डेवलपमेंट जो बैंक है उसके अनुसार भारत की जीडीपी 5.1%। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, और ये जो ADB है इसका नाम सुनते आपको क्या ध्यान में आ रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था, इसने एक देश है पाकिस्तान उसको अभी हाल ही में इमरजेंसी लोन दिया है, $1 अरब का इमरजेंसी लोन दिया है
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में। और मनीला कहाँ पड़ता है आपका? फिलीपींस में। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितनी है? वर्ल्ड बैंक ने भी जारी की थी, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6% GDP वृद्धि दर भारत की रहेगी। तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल इसके स्थापना दिवस पर सुखबीर सिंह बादल को पार्टी का कौन सी बार नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये सुखबीर सिंह जो बादल हैं, ये अकाली दल के क्या हैं, राष्ट्र अध्यक्ष तीसरी बार चुने गए हैं। और पहले ये पंजाब में सरकार थी, लेकिन अभी पंजाब में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस ने जो है वहाँ पर सरकार बना ली। और वर्तमान में आपसे पूछ ले तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यदि आपको गवर्नर पूछ ले तो गवर्नर कौन है? VP बदनौर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भारत में दो मुख्य दल हैं जिनकी सरकारें करीबन करीबन कभी उसकी कभी इसकी। एक दल तो है NDA, NDA जिसमें BJP सबसे प्रमुख पार्टी है। ठीक है, और NDA के बारे में पूछ लेता है, एक बार पूछा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म N का हो गया नेशनल, D का हो गया डेमोक्रेटिक, A का हो गया अलायंस। इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और ये BJP इसको ऑपरेट करती है। इसमें कुछ दल और हैं, और एक कांग्रेस का और है जिसका क्या नाम है? UPA। यू का हो गया यूनियन, पी का हो गया प्रोग्रेसिव, ए का हो गया अलायंस। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त गतिशील गठबंधन इसको बोला जाएगा। अब यहाँ पर BJP के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये 90 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी, 80 के दशक में। और कांग्रेस के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसकी जो है पहले अध्यक्ष बने थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? AO ह्यूम। ये भी कई बार आता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट भी है, कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे फर्स्ट स्थान जो है वो किसको मिला है? तो फर्स्ट स्थान पे कौन आई है? एंजेला मार्कल। सही उत्तर हो जाएगा इसका, एंजेला मार्कल। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, एंजेला मार्कल के बारे में पूछ सकता है आपको ये कौन है? तो ये वर्तमान में जर्मनी की चांसलर हैं। अच्छा, फोर्ब्स पत्रिका का यहाँ पर जिक्र हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स पत्रिका जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके एडिटर इन चीफ कौन है? स्टीव फोर्ब्स हैं, स्टीव फोर्ब्स। तो ये भी आप ध्यान रखना। और ये एक बिजनेस पत्रिका है, ये कभी धनी लिस्ट व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट जारी करती है, कभी धनी खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करती है। ठीक है, और अभी इसने जो है सबसे शक्तिशाली जो महिलाएं हैं उनकी लिस्ट, पावरफुल महिलाएं, दुनिया की 100 पावरफुल महिलाओं की सूची जारी की है। और इनमें हमारी जो निर्मला सीतारमण है वो कौन से स्थान पर रही हैं? 34वें स्थान पर। ये भी आपको बताना चाहिए, इंडिया से 3 महिलाएं रही हैं। और जो क्रिस्टिन लेगार्ड है ये दूसरी महिला रही है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके द्वारा, हाँ चलिए, इतनी सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब इसने जो धनी लिस्ट जारी की थी उसमें सबसे टॉप, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन सा है ये पता होना चाहिए आपको। तो दुनिया का अमीर आदमी कौन सा है? स्टीव जो सॉरी ये क्या नाम उनका, बिल गेट्स। बिल गेट्स। और बिल गेट्स किसके संस्थापक है? माइक्रोसॉफ्ट के। और दूसरा नंबर इसमें किसका आया है? जेफ बेजोफ। जेफ बेजोफ जो क्या है? अमेजोन के CEO हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर लगाइए। कह रहा है कि अभी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफ़ी के दूसरे चरण की, कौन सा मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री है जिसने कृषि ऋण माफ़ी की दूसरी घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में दूसरी लिस्ट जो ऋण माफ़ी है वो घोषणा इसकी कर दी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, कमलनाथ। अच्छा, यदि आपसे गवर्नर पूछ ले, गवर्नर कौन है?
लालजी टंडन इसके क्या है, गवर्नर है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश को लेकर के एक फैक्ट है, अभी कुछ दिनों पहले ही इसका एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, उसका क्या नाम है, गोविंदा, गोविंदा को उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। और हम बात करें, अच्छा एक रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो वन कहाँ पर है, एमपी, मध्य प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यदि मैं बात करूँ इंडिया में सबसे ज़्यादा, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अच्छा, राजस्थान को लेकर के कुछ अपडेट मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो राजधानी है जयपुर, उसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, और राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, क्या नाम है इनका, इंद्रजीत मोहंती। और यदि बात करें राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो जोधपुर में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में आपको फैक्ट पता होगा, रिसेंटली जो सबसे, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो है आपको याद होगा कि भारत का सबसे अमीर एक ये स्टेट है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, और यहाँ की जो मुंबई है, इंडिया में बात करें तो सबसे धनी सिटी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम बात करें, और यहाँ पर क्या है, एलोरा की गुफाएं हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और अगला क्वेश्चन आप इसका आंसर लगा दीजिए, कह रहा है अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरिस जॉनसन। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन को लेकर के काफ़ी अपडेट है यहाँ पर। ब्रिटेन देखो, अभी हाल ही में पूरे विश्व में क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो ये कौन सा था, ब्रिटेन, तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तुरंत बाद आयरलैंड ने भी जो है घोषणा कर दी थी इमरजेंसी क्लाइमेट की, ठीक है। अब हम बात करें अभी हाल ही में जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी आपका ब्रिटेन में ही संपन्न हुआ है। अच्छा, कुछ यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी कुछ जो देश हैं उनके कुछ नए बने हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, तो एंटोनिया कोस्टा किसके बने हैं, पुर्तगाल के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, और महिंद्रा राजपक्षे को आप जानते ही हो, ये श्रीलंका के क्या है, पीएम है, और यदि हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, गोटाबाया राजपक्षे, तो ये भी आपको बताना चाहिए, दोनों भाई हैं ये। और सना मारिन कौन बने हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा, ये फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए बेटा अब देखते हैं कल का क्वेश्चन, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत में वर्तमान में कितने न्यायाधीश न्यायालय हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 25 न्यायालय हैं, और लास्ट वाला कहाँ खुला है, आंध्र प्रदेश में, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। आपने बहुत अच्छे से कल कमेंट किया, मैं आपके सभी के कमेंट्स रीड करता हूँ। आपके लिए आज का क्वेश्चन हमने दिया है, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो कमेंट करके बताना है आपको, और पूरी डिटेल से लिखना है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आपको लिखना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जगह जगह शेयर कर दीजिए, और हर सुबह 7 बजे आपको एक क्लास सुबह वीडियो मिल जाएगा, इसमें सारी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, और इस प्रश्न का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।